नमस्कार मित्रों, मैं अखिलेश कुमार डीएलएड कार्यक्रम की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नीति दत्ता जी, जो कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी भोपाल से हैं। आज हम डॉक्टर नीति जी से चर्चा करेंगे कि बच्चे कैसे सीखते हैं। डॉक्टर नीति, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। ये बड़ा क्रिटिकल प्रश्न है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। बच्चों का जो सीखना है वो महत्वपूर्ण भी है और रहस्यपूर्ण भी है कि आखिर वो सीखते कैसे हैं। जी। तो नीति जी, आप इस पे प्रकाश डालें कि बच्चे आखिर वो कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे बच्चे सीखते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं? जी। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र है बच्चा। आजकल के बच्चे, जैसे कि अभी हम लोग इस चर्चा से पहले चर्चा कर रहे थे कि आजकल जो बच्चे हैं वो अपने आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। वो मल्टीमीडिया से मोबाइल फ़ोन ऑपरेट करना शायद हम आप उतना अच्छा नहीं जानते जितना कि हमारे छोटे बच्चे जानते हैं, जो अभी फॉर्मल स्कूलिंग में नहीं गए लेकिन उनको मोबाइल चलाना आता है, मोबाइल डिवाइस वो ऑपरेट कर सकते हैं, वो उसमें वीडियो गेम भी खेल लेते हैं, उनके अपने जो कार्टून नेटवर्क्स हैं उससे वो बहुत कुछ सीख लेते हैं, भाषा का ज्ञान उनको उससे हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से बच्चे सीखते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीकों की चर्चा करेंगे कि बच्चे हमारे कैसे सीखते हैं। जैसा कि देखिए, आप ये एक चित्र देख रहे हैं कि इसमें बच्चे हैं, आपस में दो तीन बच्चों का एक समूह है, प्रकृति के सानिध्य में है और वो कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ निरीक्षण कर रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं कि उनको शायद उनके मनपसंद कोई चीज़ उन्होंने कुछ खोज लिया है। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब छोटा बच्चा होता है अपनी माँ को, जैसे उसकी माँ साड़ी लपेटती है तो वो अपनी बहन की चुन्नी लेकर के या माँ की चुन्नी लेकर के वो उसी तरीके से साड़ी लपेट लेता है। जैसे माँ रोटी पकाती है, वैसे वो भी माँ की तरह ही रोटी पकाने का अभिनय करता है। उसके पिता जैसे ऑफिस जाते समय बैग उठाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से वो भी अनुकरण करता है। फोन पर अभी उसको भाषा उसकी अभी परिष्कृत नहीं हुई, उसको बोलना भी नहीं आता, लेकिन आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि वो फोन उठा करके, चाहे उल्टा फोन पकड़े वो, लेकिन वो रिसीवर को उठा करके वो कुछ बोलते रहते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे दिन प्रतिदिन के ऐसे आपको तमाम उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ आप देखते हैं कि बच्चों की कहीं ना कहीं लर्निंग हो रही है, वो सीख रहे हैं बच्चे। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक पर्टिकुलर विशेष तरीका है जहाँ पर बच्चा सिर्फ इसी तरीके से सीखेगा। ऐसा कोई ऐसा तरीका नहीं होता है। बच्चे अपने आसपास स्कूल जाने से पहले अपने समाज से, जिन दोस्तों के साथ वो खेलते हैं, फिर जब स्कूल में वो जाते हैं वहाँ जा करके एक फॉर्मल एनवायरनमेंट में भी सीखते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी सीखते हैं। तो यहाँ पर जो हम विशेष विधियाँ जो चर्चा करने जा रहे हैं उसमें से है अनुकरण, अवलोकन, प्रयत्न एवं त्रुटि द्वारा अधिगम, सहभागिता द्वारा अधिगम, समस्या समाधान विधि द्वारा अधिगम एंड अर्थपूर्ण अधिगम। ये छह महत्वपूर्ण जो विधियां हैं जिनसे कि ज़्यादातर बच्चे सीखने का प्रयास करते हैं, सीखते हैं। जैसा कि अनुकरण, अनुकरण नाम से स्पष्ट है कि किसी की नकल करना, देख करके एक दूसरे को नकल करना। कि घर में माता पिता होते हैं, अध्यापक, स्कूलों में आप देखते हैं कि बच्चों से कहो कि फला टीचर की तरह मिमिक्री। मिमिक्री क्या है? अनुकरण है कि वो टीचर जिस तरीके से बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, वो उस तरीके से उनका अनुकरण करने लगते हैं। ज़्यादातर ये भी देखा जाता है कि बच्चे जब किसी को अपना आदर्श, किसी भी, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे वो उसका भाई हो, बहन हो, कोई टीचर हो या कोई भी समाज का ऐसा व्यक्ति, जैसे आजकल तो बच्चे खिलाड़ियों की नकल, अभी आजकल एक बड़ा हेयर स्टाइल चला कि रोनाल्डो वाला, कि वो अपने बाल उसी तरीके से, हेयर कटिंग होने लगी, अभिनेता की एक्टिंग, बहुत बच्चे दूसरे एक्टर और एक्ट्रेसेस की नकल करने लगते हैं। तो ये बेसिकली किसी व्यक्ति के व्यवहार या क्रिया की नकल है। जो हमारे आजकल बच्चों के जो कार्टून नेटवर्क्स आ रहे हैं उसमें आप देखिए उनके बहुत सारे मन पसंदीदा जो चरित्र है, एक बड़ा मन पसंदीदा चरित्र है छोटे बच्चों का शिनचैन और नोबितो,
ये उनकी तरह बोलना सीख रहे हैं बच्चे आजकल, क्योंकि वो जिस अंदाज में जिस भाषा का प्रयोग करते हुए वो बोल रहे हैं, वो बच्चा जब तक उसका अपना विवेक नहीं अभी इतना परिपक्व हुआ है कि वो समझ सके कि वो गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है, तो वो बच्चा उसका अनुकरण करने लगता है। जिस तरीके से वो बात करता है अपने टीचर्स के साथ, अपने माँ बाप के साथ, उसी तरीके से बच्चा भी उनका अनुकरण करने लगता है और उसी के तरीके से व्यवहार करने लगता है। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अनुकरण से सीखते हैं। दूसरा, इसमें सबसे बड़ी बात है कि अनुकरण को कुछ जो कारक हैं वो बहुत प्रभावित करते हैं। जैसे कि आपने किसी से अगर कहा कि अरे भाई ये बच्ची, किसी ने कोई बच्चा गाना गा रहा है, और अगर आपने कह दिया अरे वाह तुम तो लता मंगेशकर की तरह गाना गाती हो, तो उसने अपने आप को किसको आइडल मान लिया? लता मंगेशकर को, कि मैं जो हूँ लता मंगेशकर की तरह मुझे गाना आता है। कोई बच्चा जो है क्रिकेट खेल रहा है, छोटा बच्चा, और आपने उसको कह दिया अरे वाह तुम तो सचिन तेंदुलकर की तरह बैटिंग करते हो, बस उसके दिमाग में सचिन तेंदुलकर को अनुकरण करने की प्रवृत्ति आ गई। तो हमारे जो समाज के प्रभावित लोग हैं, अगर उनकी तरह आप किसी बच्चे की तुलना कर दें, प्रशंसा कर दें, या उसको इनाम मिल जाए कि अरे वाह तुम तो ऐसा करती हो, ये जो वाह फैक्टर है किसी व्यक्ति के साथ जोड़ने का, वो उसको प्रभावित कर देता है और वो उसका और भी अनुकरण करने लगता है। दूसरी चीज़ अनुकरण की है संतोषप्रद पूर्ण बलन। जो जैसे अभी बच्चे को भाषा का ज्ञान नहीं है, छोटे बच्चे को मान लीजिए माँ ने कहा कि जाओ बेटा उठा करके चश्मा ले आओ, ठीक, अभी उसको ये नहीं पता, दो तीन ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं वहाँ पर, दो तीन चीज़ें पड़ी हैं, वो पहले उठा करके हो सकता है कप ले आए, चश्मे के बगल में अगर कप रखा है तो वो कप लाएगा, तो माँ कहेगी नहीं चश्मा लेकर के आओ, क्योंकि अभी उसको चश्मे का कंसेप्ट अभी बना नहीं है। तो दूसरी बार में अगर वो चश्मा ले आया तो माँ ने कह दिया अरे वाह वेरी गुड तुम सही चश्मा, लाओ मेरा चश्मा दे दो, तो इस चीज़ को उसने क्या समझ लिया कि हाँ इसको चश्मा कहते हैं। अब बार बार उस क्रिया को वो क्या करेगा कि उसको करना चाहेगा कि हाँ भाई ये माँ का चश्मा है तो ये मुझे उसको देना है। तो सही परिणाम मिलने पर क्रिया को बारंबार किया जाता है, इस प्रकार से उसको संतोषप्रद पुनर्बलन मिल जाता है। इसी तरीके से दूसरा आप देखते हैं कि बच्चे अवलोकन करते हैं कि अपने प्राकृतिक वातावरण में, अपने समाज में, अपने बड़ों को, अपने स्कूल में, अपने विद्यालय में, आसपास में, वो जो कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उस तरीके से वो सीख रहे हैं। ये बड़ी एक सामान्य सी और प्राकृतिक विधि है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमारी अपनी जो बच्चे की जो इंद्रियां हैं वो सक्रिय हैं, वो उस व्यवहार को प्रत्यक्षता देख रहा है, सुन नहीं रहा है, वो सामने आमने देख रहा है। कई बार आपने अनुभव किया होगा कि अगर माता पिता गलत भाषा में बात करते हैं तो वही भाषा बच्चा सीख जाता है। और अगर आप बच्चे से उसको आप कह के संबोधित कर रहे हैं तो उसको भी लगता है कि नहीं मुझे आप कह के संबोधित करना चाहिए। इस तरीके से बच्चा उसी चीज़ को क्या करता है, ऑब्जर्व करके प्रतिक्रिया और क्रिया प्रतिक्रिया करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा क्लास में अच्छा सुलेख लिखता है और अध्यापक उसको अभिप्रेरणा दे देता है, किसी दूसरे बच्चा जो दूसरा बच्चा अच्छा सुलेख लिखता है और उसने टीचर की तरफ से उसको प्रशंसा मिली, तो जो दूसरा बच्चा है अब उसके ऊपर क्या करता है, अवलोकन करने के लिए उसको देखता है कि वो कैसे पेन पकड़ता है, कैसे वो लिखता है, कितनी दूरी से पेन पकड़ता है, कैसे वो लिखता है, तो ये क्या कर रहा है, वो अवलोकन कर रहा है, उस चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। कई बच्चे अपने टीचर्स को बड़ा ऑब्जर्व करते हैं कि उनका टीचर किस तरीके से आता है, क्लास में पढ़ाता है, अपने उसके टीचर कैसे उसके साथ बिहेव करते हैं, कैसे उसके साथ क्लास में बर्ताव करते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चे, हमें पता नहीं चलता लेकिन बच्चे ऑब्जर्व करते हैं और उसके हिसाब से वो आचरण करने लगते हैं। किसी अभिनेता को अपना आदर्श मान करके उसके व्यवहार को वो क्या करने लगते हैं, ऑब्जर्व करने लगते हैं और उसी के हिसाब से वो क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। तो अवलोकन जो है एक बहुत महत्वपूर्ण और प्राकृतिक विधि है जिसके ज़रिए से बच्चे सीखते हैं। लेकिन अवलोकन की बहुत सारी क्रियाएं हैं, अवलोकन एक बार में नहीं हो सकता और अवलोकन भी संपूर्ण व्यक्तित्व का नहीं होता। बांडुरा ने बहुत सारी क्रियाओं के ऊपर चिन्हित किया है। पहली क्रिया है ध्यान प्रक्रिया।
कि जो अवलोकित व्यवहार होता है, जो बच्चा किसी भी व्यक्ति को ऑब्जर्व कर रहा है उसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करता है जिसको कि वो सीखना चाहता है। जैसे सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी पर अगर उसका ध्यान केंद्रित है तो उसका सचिन तेंदुलकर के आउटलुक पर ध्यान नहीं है, उसका सचिन तेंदुलकर के सिर्फ बल्ले पकड़ने पर, बल्ला कैसे घुमाता है, बल्ला कैसे चलाता है, इन बिंदुओं पर उसका ध्यान है। उसकी हेयर स्टाइल क्या है, उसके बाकी चीज़ों पर उसका ध्यान नहीं है, क्योंकि उसका ध्यान कहाँ पर है कि वो सचिन तेंदुलकर सिक्सर कैसे मारता है। अगर जहीर गेंदबाजी करता है तो जहीर की गेंदबाजी पर उसका ध्यान है, उसके हाथ के मूवमेंट पर ध्यान है, बाकी सारे एस्पेक्ट क्या हो जाते हैं, किनारे हो जाते हैं। जैसे किसी के डांस पे अगर ध्यान है, किसी का कोई डांस का अगर शौकीन है, अगर वो मान लीजिए कोई नृत्यांगना डांस कर रही है तो बाकी सारे पहलू किनारे हो जाते हैं, उसका किस पे ध्यान चला जाता है, उसके नृत्य पर, नृत्य कला पर ध्यान चला जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम किस पर ध्यान केंद्रित करना चाह रहे हैं। व्यक्ति विशेष का पहनावा हो सकता है, चाल हो सकती है, ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस चीज को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर किस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, कौन सी चीज को पसंद आ रही है। जैसे कि एक बहुत पुरानी महाभारत में घटना है कि द्रोणाचार्य ने जब वो सिखा रहे थे धनुर्विद्या, तो उन्होंने मछली टांगी हुई थी और उन्होंने कहा कि ध्यान केंद्रित करो, और दुर्योधन से पूछा कि अच्छा तुम बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, उसने कहा पेड़ का पत्ता भी दिखाई दे रहा है, मछली दिखाई दे रही है, मछली की पूंछ दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा तीर नहीं चलेगा क्योंकि तुम्हारा ध्यान वहाँ नहीं है जहाँ होना चाहिए। लेकिन इसी तरीके से हर शिष्य से उन्होंने पूछा, बाद में अर्जुन से पूछा, तो अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रही है, आँख दिखाई दे रही है जहाँ पर मेरा तीर लगना है। तो ये है ध्यान कि हम कहाँ कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फोकस अटेंशन, फोकस कहाँ पर है हमारा, चाइल्ड का कहाँ पर है। दूसरी प्रक्रिया है स्मृति की प्रक्रिया। जब हमने ध्यान लगा करके धारण कर लिया सूचना को, अब हमारे दिमाग में उसका क्या बन जाएगा, एक चित्र बन जाएगा। तो जब भी हम उस चीज़ का अभ्यास करेंगे तब वो जो ध्यान किया था और उसकी जो एक चित्र हमारे दिमाग में उकेरा गया था, हम बार 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 उसी को हम क्या करेंगे, स्मरण करेंगे, स्मृति बार बार हम उसी को धारण करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी आर्ट गैलरी में जा कर के किसी चित्र को देखा जी। और आपने उस चित्राकृति को अपने दिमाग में धारण कर लिया। अब जब आपको बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, उस ध्यान को और उस स्मृति को आपस में क्या करेंगे, सहसंबंध बनाएंगे कि जो आपके मस्तिष्क में जो धारण हुआ है उसको आप क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे, उसको आप पुनर अपने चेतन मस्तिष्क में लाएंगे, जो कि आपने धारण किया हुआ था। तो आपको उसको प्रतिक्रिया करने से पहले उसको अपने स्मृति में रखना ज़रूरी है। इसी तरीके से अवलोकन की अगली प्रक्रिया है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, गतिक प्रक्रिया, पुनः निर्माण की गतिक प्रक्रिया। आपने चित्र गैलरी में चित्र देखा, चित्र गैलरी में चित्र देखने के बाद ध्यान आपका उस पर गया, उसमें आपने उसको स्मृति में रखा, इसके बाद आपने पेंट और ब्रश जब उठाया तो उसको क्या किया, उसको एक व्यवहारिक रूप में शारीरिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप यानी कि पेंट ब्रश के जरिए से उसको दोबारा वैसा चित्र बनाने की कोशिश करें। तो ये तीनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। जब तक आपका ध्यान नहीं जाएगा, जब तक आप स्मृति में नहीं रखेंगे, तब तक आप पुनः निर्माण नहीं कर सकते हैं। आप अगर सचिन तेंदुलकर के बल्ले की आपने पकड़ने की स्टाइल नहीं देखी है, उस पर ध्यान नहीं गया, तो आप उसकी तरीके से काम नहीं कर सकते। तो ये ज़रूरी है कि हम उसको बनाने के लिए, हमें पुनः निर्माण करने के लिए हम उसको स्मृति में धारण करें। चौथी प्रक्रिया जो है वो है प्रेरक प्रक्रिया। देखिए किसी भी चीज़ को सीखने में मोटिवेशन बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कि मान लीजिए बच्चे ने बनाया और उसको प्रशंसा नहीं मिली तो क्या होगा, अगली बार उसको संकोच होगा, हेजिटेशन होगा, या किसी ने उसके काम की प्रशंसा नहीं करी, उचित प्रेरणा नहीं मिली, तो रिजल्ट क्या होगा, बच्चा दोबारा उस कार्य को नहीं करेगा और वो जो उसका अवलोकन का जो आदत है वो धीमे धीमे ख़त्म होने लगती है। इसलिए कार्य करने के बाद जब भी बच्चा कोई भी कार्य करे, गलत, छोटे बच्चे हैं गलतियों करके ही सीखते हैं, लेकिन हम पहले गलतियों को ना गिना करके पहले हम कहें कि अरे वाह तुमने ये बहुत अच्छा किया, लेकिन इसमें ये सुधार ला करके और भी बेहतर
किया जा सकता है, तब बच्चों का जो एक जो अधिगम हुआ वो धीमे 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 परिपक्वता की तरफ बढ़ जाता है। इसी प्रक्रिया में तीसरा जो हम चर्चा करेंगे, प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत। जैसे कि प्रयत्न एवं त्रुटि नाम से स्पष्ट है कि बार बार प्रयास करना, गलती करना और प्रयास करना। तो अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं कि हम गलतियां करके ही सीखते हैं। एक बार में तो कोई भी परफेक्ट नहीं हो जाता है, और छोटे बच्चे तो प्रयास करके ही सीखते हैं। छोटे बच्चे प्रयास करते हैं, गलतियां करके फिर उसमें सुधार लाते हैं और सीखते हैं। यहाँ पर थॉर्नडाइक के त्रुटि और अधिगम सिद्धांत की चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से मनोवैज्ञानिक रूप से जुड़ा हुआ है। उन्होंने एक प्रयोग किया कि भूखी बिल्ली, और बिल्ली को उन्होंने क्या किया, पिंजड़े में बंद कर दिया। बिल्ली को उन्होंने पिंजड़े में बंद किया, पिंजड़े के बाहर एक मछली लटकाई। बिल्ली ने मछली को हासिल करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए बड़े प्रयास किए। उस उछल कूद में उसका क्या हुआ, अचानक बटन दबा और पिंजड़ा खुला और उसको मछली मिल गई। उसको क्या मिला, परिणाम उसको सफलता मिली। लेकिन यहाँ देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि बिल्ली का भूखा रहना बहुत ज़रूरी है। अगर बिल्ली भूखी नहीं है तो बिल्ली पिंजड़े में आराम से सोएगी, बिल्ली को मछली प्राप्त करने के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं करेगी, क्योंकि बिल्ली का पेट भरा है। तो ध्यान देने की बात यह है कि जो भी अधिगम करता है उसका तत्पर रहना बहुत ज़रूरी है। लॉ ऑफ रेडीनेस। तो थॉर्नडाइक ने अपने इस प्रयोग से तीन नियम प्रतिपादित किए थे प्रयत्न एवं त्रुटि के, कि पहला नियम है तत्परता का नियम, कि जब तक अधिगम करता तत्पर नहीं होगा, तैयार नहीं होगा, लॉ ऑफ रेडीनेस, तैयार नहीं होगा। घोड़े के आगे पानी रख दो, लेकिन अगर घोड़ा प्यासा नहीं है तो वो पानी नहीं पिएगा। ठीक, तो बिल्ली भूखी थी इसलिए उसने मछली हासिल करने के लिए प्रयास किया। बार बार जब उसने प्रयास किया तो क्या हुआ कि उस बार बार प्रयास करने के बाद उसको जब मछली मिल गई तो उसको जो सफलता मिली उसने उसके अधिगम को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। सीखने की जो उसकी कैपेसिटी थी, लर्निंग की जो क्षमता थी, उसमें उसको जो सकारात्मक इनाम मिला उसने उसके अधिगम को बढ़ाने का प्रयास किया। दूसरा नियम है थॉर्नडाइक का, अभ्यास का नियम। देखिए, कोई भी काम तब असफल हो जाता है जब हम उसका बार बार अभ्यास नहीं करते हैं। अगर हम पहाड़े याद नहीं करेंगे, एक दिन अगर हम सोचे कि पहाड़ा पढ़ लें और हमें हमेशा के लिए याद हो जाए, तो वो नहीं होगा। अभ्यास, बार बार अभ्यास करना ज़रूरी है उस चीज़ की सुदृढ़ता करने के लिए। तीसरा है प्रभाव का नियम। प्रभाव तब हमको प्रतिक्रियात्मक रूप से सक्रिय हो जाता है जब हमें क्या मिल जाता है, इनाम, रीइन्फोर्समेंट हमें मिल जाता है। मैं कोई काम मैंने किया, मुझे उसके बदले में एक इनाम मिला, तो उसने मुझे क्या किया, उस अधिगम को पुख्ता कर दिया और अगली बार भी उस क्रिया को करने के लिए मुझे प्रेरित किया। अगर बिल्ली को बटन दबाने के बाद भी मछली नहीं मिलती तो वो मछली के लिए बटन दबाने का दोबारा प्रयास नहीं करती। तो सफल होने पर इनाम की प्राप्ति ज़रूरी है बच्चों को हौसला अफजाई करने के लिए। जैसे कि अक्सर हम घर में भी अपने बच्चों से कहते हैं कि मिल करके काम करो, है ना, हम कहते हैं ना कि आप लोग मिल करके काम करिए। स्कूलों में हम प्रोजेक्ट देते हैं, कहते हैं कि मिल के काम करो। ये क्या है, मिल के काम करने का मतलब क्या है, कि मतलब एक दूसरे के साथ सहभागिता जी, पार्टिसिपेट करके एक दूसरे के साथ सीखें। टीचर्स छोटे छोटे ग्रुप बना देती है, समूह बना देती है जी। इससे क्या होता है कि जो बच्चे कार्य करने में थोड़े से कमज़ोर भी हैं, वो भी उन बच्चों के साथ उनके अनुभव से सीख जाते हैं, देख करके सीख जाते हैं उनके अनुभव से सीख जाते हैं कि हाँ, अगर ये कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। मान लीजिए किसी के दिमाग में कुछ विचार आ रहा है, तो तर्क वितर्क और खोज के द्वारा वो किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो सहभागिता बच्चों को खेल कूद करके, बच्चों के समूह में कार्य करने की भावना को विकसित करती है। इससे सामाजिक गुणों का विकास होता है, जैसे कि एक दूसरे की सहायता करते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा उसमें कमज़ोर है, कोई बच्चा उसमें कोई काम नहीं कर पा रहा, तो दूसरा बच्चा उसकी मदद कर देता है जी। एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। कोई बच्चे ग्रुप में, जो ग्रुप बनते हैं, समूह बनते हैं, उसमें कुछ बच्चे
कोई काम जल्दी कर लेते हैं, कुछ बच्चे काम नहीं कर पाते, कुछ बच्चे बड़े संवेदनशील होते हैं तो एक दूसरे की भावनाओं को समझना आ जाता है कि हाँ हर व्यक्ति का अलग अलग टेम्परामेंट व्यवहार होता है। जिम्मेदारी उठाना सीख जाते हैं कि अगर कोई बच्चा कोई दूसरा काम अपना काम नहीं कर पा रहा लेकिन दूसरे का कर पा रहा है तो ये क्या हो जाता है, एक जिम्मेदारी उठाने की भावना आ जाती है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब बच्चे बराबर के हों या सब बच्चे एक जैसा ही सीखे हों, कमजोरियां भी होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं कि एक दूसरे की कमजोरियां भी होती हैं, एक दूसरे के गुण अवगुण सबको आत्मसात करना आ जाता है कि हम एक दूसरे की कमजोरियों को आत्मसात करते हुए, एक दूसरे की सहायता करते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, एक दूसरे की जिम्मेदारियों को उठाते हुए, इन सामाजिक गुणों का विकास करते हुए हमें समूह में मिलकर कार्य करने की जो भावना है उसका विकास होता है। और दूसरी बात है, इसमें व्यक्तिगत गुणों का भी साथ साथ विकास होता है। सामाजिक गुण तो विकसित होते ही होते हैं लेकिन साथ साथ व्यक्तिगत गुणों का भी विकास होता है। जैसे आत्मविश्वास, अगर ग्रुप का कार्य सफल हुआ, समूह अगर जीता, तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल में भी आत्मविश्वास आता है कि हम जीते हैं। इसी तरीके से तार्किक सोच का, एक दूसरे के जब तर्क वितर्क से अपनी थिंकिंग डेवलप होती है, अपना एक मस्तिष्क में एक तार्किक चिंतन बनता है, तो उसमें तार्किक सोच का भी विकास होता है। क्योंकि जिन पहलुओं पर एक व्यक्ति विशेष का ध्यान नहीं जा रहा, ग्रुप में जब हम कार्य करते हैं तो हो सकता है कि दूसरे का ध्यान उस पर चला जाए। तो इस तरीके से हम ग्रुप में रह करके भी कार्य करना सीखते हैं। और बच्चे ग्रुप में रह करके देखें, जैसे कि जब सीखते हैं तो बड़े खुश महसूस करते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि यहाँ पर कोई ग्रुप में ये फीलिंग नहीं होती है कि तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, कोई ज़्यादा टैलेंटेड है, ऐसी कोई फीलिंग नहीं होती। एक ग्रुप मीन्स ग्रुप, क्योंकि वहाँ पर ग्रुप फैक्टर काम में आ जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो है खोज और पूछताछ के द्वारा अधिगम। इस विधि के जन्मदाता जो हैं जे ब्रूनर हैं, और उनके अनुसार जो सिद्धांत है वो है सक्रियता का सिद्धांत, कि माने खोज और पूछताछ के जरिए जब अधिगम हो तो उसमें सक्रिय रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आपने किसी से कहा कि जाओ अपने ही घर के आसपास 5 घरों को ऐसे खोज करो कि जहाँ पर 10 साल की उम्र से ज़्यादा के बच्चे हैं और वो किस क्लास में पढ़ रहे हैं, किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका पूरा जो एक डाटा है, आंकड़े इकट्ठे करके लाओ, तो वो क्या होगा, सक्रिय रहेंगे। पॉल्यूशन के कारण क्या हैं, ये तो पता है कि पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, लेकिन प्रदूषण के कारण क्या है इसको जानने के लिए क्या है, कौन सा सिद्धांत है, ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत है। उद्देश्यपूर्ण अनुभव का सिद्धांत, क्योंकि जब हम कोई खोज करने चलते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ उद्देश्य को लेकर के चलते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर विषय पर हम खोज करने जा रहे हैं। और जब हम कुछ खोज करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प आ जाते हैं, और उसमें से सबसे जो प्रभावशाली होता है, जो बिंदु होता है, वो ये होता है कि बहुत सारे विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प की खोज करना कि सबसे ज़्यादा प्रभावकारी कारक कौन था। एक और बहुत महत्वपूर्ण अधिगम का जो तरीका है वो है अधिगम सार्थकता के रूप में। देखिए, प्रत्येक बालक का, प्रत्येक अवधारणा का एक अपना अर्थ होता है। मान लीजिए आपने एक एग्जाम्पल दिया कि अच्छा बच्चों, एक शब्द हम बोलते हैं तुमसे, सेंटेंस, सर्दी का मौसम, अब इसमें तुम अपनी प्रतिक्रिया दो, तो क्या कहेंगे, क्लास के 50 बच्चों के 50 आंसर आएंगे। जैसे कोई एक बच्चा कहेगा, वाह सर्दी के मौसम में तो मुझे बहुत मज़ा आता है। दूसरा कहेगा, अरे मज़ा आता है, इतनी ठंड लगती है, गरम गरम कपड़े पहनने पड़ते हैं, मोटे मोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं। तीसरा बच्चा कहेगा, नहीं जी सर्दी का मौसम तो बड़ा मज़ेदार होता है, हमें पहाड़ों में बर्फ़ देखने को मिलता है, हम बर्फ़ में खेल सकते हैं। फिर अगला बच्चा कहेगा, नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं होता, हम आइसक्रीम नहीं खा सकते, गर्मी में तो हम आइसक्रीम खा सकते हैं। जिसको जो चीज़ पसंद है, अपने अपने हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक बच्चे का अपनी सोच, आवश्यकता अनुसार प्रतिक्रिया होती है। देखिए यहाँ गलत कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है, नहीं गलत, यहाँ पर सब अपने अनुसार सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। बारिश में ही अगर आप बारिश शब्द कहेंगे, कोई कहेगा बारिश, वो भाग के बाहर खेलने चला जाएगा, कोई छाता भी नहीं लेगा और वो बाहर बच्चा निकल जाएगा। लेकिन जो बच्चा बारिश से बहुत बीमार पड़ चुका है, वो दोबारा उस बारिश में जाने का कतई भी नाम नहीं लेगा। तो हर परिस्थिति के अनुसार अधिगम अपने अपने तरीके से होता है, अपनी आवश्यकता अनुसार होता है। इसलिए अधिगम में सार्थकता का
जो पहलू है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। सार्थक यहाँ पर हर एक का उत्तर सार्थक है, कोई गलत नहीं है, लेकिन अपनी अपनी अवधारणा और अपना अपना अर्थ। इस तरीके से हमने देखा कि बच्चे जो हैं बहुत अलग अलग तरीके से सीखते हैं, अवलोकन है, प्रयत्न एवं त्रुटि है। हर व्यक्ति, ये नहीं कहा जा सकता है कि इस विशेष परिस्थिति में बच्चा इसी तरीके से सीखेगा। बिल्कुल, व्यक्ति का अपना अलग अलग सीखने का नजरिया होता है, अपने सीखने के तरीके हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि बच्चे कैसे सीखते हैं। उन सीखने की प्रक्रिया में अनुकरणात्मक अधिगम है, नकल करके सीखते हैं, प्रयत्न एवं त्रुटि के माध्यम से सीखते हैं, सामूहिक अधिगम के द्वारा सीखते हैं, खोज एवं पूछताछ अधिगम के द्वारा सीखते हैं, या फिर सार्थकता अधिगम के द्वारा भी सीखते हैं। डॉक्टर नीति जी ने बड़े अच्छे से, बहुत ही सरल तरीके, बहुत सहज तरीके से हमें ये बताया कि बच्चे कैसे सीखते हैं। इसके लिए और स्टूडियो में आकर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।